हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मेरी किचन। मैं हूं नेहा। आज हम बनाएंगे चिली पोटैटोस। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है शाम के स्नैक्स के लिए या फिर स्टार्टर के लिए। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आलू, जिसे मैंने इस तरह से लंबाई में काटा है और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। हमें चाहिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 प्याज इस तरह से रफली चॉप, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, 5 के लिए लहसुन की इस तरह से फाइनली चॉप, स्वाद अनुसार नमक, और हमें चाहिए सोया सॉस, विनेगर, ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो सॉस, रेड फूड कलर और बनाने के लिए तेल। आइए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आलू और इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर, साथ ही डाल देंगे इसमें हम स्वाद के अनुसार थोड़ी सी नमक और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने आलू को अच्छे से कोट कर दिया है कॉर्नस्टार्च में। आलू को हम फ्राई करेंगे, तो इसलिए मैंने ये कढ़ाई कढ़ाई में डाला है मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल। हम तेल को गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, दाल और इसमें डालेंगे हम ये आलू। हम थोड़ा थोड़ा आलू डालेंगे और इसे हम डीप फ्राई करेंगे। गैस को फिर हम मीडियम रखेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इस रेसिपी को मैदे से ही बना सकते हैं, उसे भी ये चिली पोटैटो बहुत अच्छी बनती है। तो इसे हम अच्छे से इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे हम पेपर टिश्यू भी निकाल लेंगे और इस तरह से हम बाकी के आलू को बचे हुए आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो मैं बचे हुए आलू को भी फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने सभी आलू को फ्राई कर लिया है। मैं आपको तो दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से फ्राई हो गया है। तो हम लेंगे वापस एक पैन, गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं। डालेंगे यहाँ पे हम 1 चम्मच तेल। मैंने यहाँ डाल दिया 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को हम गर्म कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। डाल देंगे यहाँ पे हम सबसे पहले ये बारीक कटा हुआ लहसुन और इसे हम कुछ तेल के लिए भून लेंगे। लहसुन भून चुका है, डाल देंगे यहाँ पे हम प्याज। प्याज को भी हम 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे, हमें तो बहुत कुछ नहीं करना है। प्याज के साथ साथ हम डाल देंगे ये कैप्सिकम और इन दोनों को हम दाल बांटने के लिए भूनेंगे। 4 मिनट हो चुका है, प्याज और कैप्सिकम अच्छे से भून गई है। अब डालेंगे इसमें हम सॉस। डाल रहे हैं यहाँ पे 1 चम्मच चिली सॉस, साथ डालेंगे यहाँ पे हम 1 चम्मच टोमेटो सॉस, डार्क सोया सॉस, साथ ही डालेंगे इसमें हम थोड़ी सी शुक्र ऑप्शन आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब डाल देंगे यहाँ पे हम आधा 1/4 चम्मच विनेगर और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं। हम ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा नमक। डाल देंगे इसमें हम ये कटी हुई स्प्रिंग अनियन, इसे अच्छे से हम सॉस को प्याज और कैप्सिकम मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स हो गई है, डाल देंगे इसमें हम ये आलू। और आलू को भी हम अच्छे से सॉस में मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे मिक्स कर दिया। इसे हम 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे इस तरह से बस हम स्टॉप करेंगे और हम गैस का फ्लेम बंद कर लें। तैयार है हमारी चिली पोटैटो। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको मेरी रेसिपी कैसी रहेगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ अपने यूट्यूब चैनल नेहा किचन में। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।